ये क्या हुआ, ये देखो ये देखो ये देखो, पूरा उसको भी कहा है, ये देखो ये तैयारी देखें हमारी, तैयारी बिल्कुल मुकम्मल हो गई है, खाना ऑलरेडी टेबल पे आ चुका है, ये देख। वाह टेस्टी, मजा आ गया भाई, ऐसा मजा कभी जिंदगी में नहीं आया। नहीं नहीं खांसी नहीं, मजा आ गया, खूब एंजॉय करेंगे, हल्ला गुल्ला भी करेंगे, एक ऐसी पार्टी शानदार करेंगे जो आप बहन भाइयों को दिखाएंगे हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बहन भाइयों, मैं आपको एक ऐसा शेर सुनाने वाला हूँ जो आप सुनते ही हैरान हो जाएंगे यार। आज मैं एक जो शेर सुनाने वाला हूँ आपको, आप हैरान रह जाएंगे, सुनना जरूर, वीडियो भी जरूर देखना, शेर भी सुनना। वो शेर क्या है मैं आपको सुनाता हूँ, शुरू करें। सुनाए सुनाए। किसदा दोष सी किसदा नहीं सी, ए गलना हुण करन दिया नहीं, वेले लंघ गए तौबा वाले, रातां हुण होके बनदियां नहीं, जो होया ए होना ही सी, जो होया ए होना ही सी, ए हुण एवें रुकियां रुकदी नहीं। एक वारी जदों शुरू हो जावे, एक वारी जदों शुरू हो जावे, गल फिर एवें मुकदी नहीं। कुछ इंज भी रावां औखियां सन, कुछ इंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन। आखिरी शेर है, आखिरी शेर तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ तवज्जो मेरे भाइयों मेरी तरफ तवज्जो, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ मैनू मरन दा भी शौक सी। ना ना यार साहब, आप मरे ना शादी कराने, नहीं मैंने कपड़े नए ले लिए हैं, कपड़े में नए ले आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बहन भाइयों को जरूर शेयर करूंगा, जो आज पार्टी कर रहे हैं वो आपको जरूर दिखाएंगे, हमारे साथ रहें, जो हमारा शेयर पसंद आए जिस बहन भाई को वो जरूर लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, जरूर बताएं भी शेर ठीक था। मैंने इस शेर को एक हफ्ता कम से कम जबान पे लाते हो गए, आज याद हुआ, फिर भी मैंने कहा ये पेज पे लिख लो, कुछ गलती ना कर लेना, क्योंकि अक्सर बहन भाई ने भी शायद सुना होगा, किसी शो में सुना होगा, इसी वजह से मैंने भी ऐसे ही लिखा है, एक सुन कर रहा था, मैंने लिख लिया, फौरी याद कर लिया, मैं कहा बहन भाइयों को सुनाएंगे और बहन भाई देखेंगे जरूर, सुनेंगे भी जरूर और सुन के हैरान भी होंगे यार, ये तो शायरी शायरी भी कर लेता है। तो फिर शादी नहीं करानी? शादी भी अल्हम्दुलिल्लाह करावांगा, बिल्कुल करावांगा, एक गल भुलन वाली नहीं है, वो कहते ना जब शुरू हो जावे गल एवें मुकदी नहीं, अभी तो शुरू हुई है ते गल मुकनी एवें नहीं। हां जी कराओ कराओ शादी, मैं तो आराम से बैठ गई हूं, आप शादी कराएं। आज जो आपको बहन भैया जो लोग दिखाएंगे वो हमारे साथ रहे, आज एक ऐसी शानदार पार्टी है, आप हैरान रह जाएंगे जिस तरह आपने शेर सुना और जिस तरह आपकी हमारी वीडियो देखेंगे ना, जो हमारी पार्टी आज एक हो रही है ना, एक पार्टी, एक शानदार और नए घर में पहली पार्टी। ये तैयारी भी मुकम्मल हो रही है, ये देखते हैं माशाल्लाह जी, एक शानदार रोटी जो बनाई है हमने पहली दफा देखी है, दिखाएं आप, ये कुक ऐसे रोटी बनाते हैं, देखिए माशाल्लाह। और जो खाने बन गए हैं वो भी दिखाते हैं, जो बकाया रहते हैं वो भी आपको दिखाते हैं, लाइक दिखाते हैं, लाइक। ये क्या है, मैं इनसे पूछते हैं, क्योंकि पहले खाना इसने बनाया, आज मैंने नहीं बनाया। ये देखे माशाल्लाह क्या बन रहे हैं आप देखे ना, मुझे तो नहीं पता समझ आ रही क्या बन रहे हैं, आप दिखाएं। बर्तन, ये कढ़ाई छोटी वाली है ना, छोटी है कढ़ाई, मामी माशाल्लाह। कढ़ाई में क्या है, क्या मुझे तो पता है क्या है, क्या लंबे लंबे हैं, कुछ पता नहीं ये क्या है। कबाब है, क्या कबाब है, माशाल्लाह ये कबाब बन रहे हैं, जब बन जाएंगे आपको पूरे दिखाएंगे, लेकिन ये तरीका नया ही है, बताएं किस तरह बनाया, बताएं जैसे थोड़ा चिकन के सीख कबाब बनाए और उनका सालन अभी कढ़ाई टाइप बना रहा हूँ मैं। हर दिन रात की बारी है, ये आज छुट्टी यही कारण है, मेरी तो जान छुट्टी आज, मैं इस काम में बड़ा खुश रहता हूँ, जब भी कोई ऐसा होता है ना मैं बड़ा शौक से बड़ा खुश होता हूँ।
चीजें लिया, ये लिया, वो लिया। आज तो आपने लाने की जान नहीं, नहीं मैंने अभी ये देखे कितना मजेदार बन रही है, क्या क्या चीजें डाल रहा है, वो सब बहन भाई क्या चीजें डाल रहे हैं, हमें भी पता चले कल हम बनाएंगे तो वो हमें पता नहीं चल रहा क्या बना क्या नहीं बना। धनिया पड़ा हुआ गर्म नहीं पड़ा हुआ, धनिया सबज पड़ा हुआ, सबज धनिया खा रहा हूं यार। आप ये स्पेशल डिश है, इसको कहते हैं क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं, कबाब, कढ़ाई कबाब। ये भाई बहन भाई सुन ले देखे हैरान ना होए कि क्या है क्या नहीं, आपको बताता चलूं, ये है कढ़ाई गोश्त। क्या यार कढ़ाई देख लेते हैं यार, कहीं तो देख हम खुद देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या है। ये देखो जी ये क्या है, कढ़ाई कबाब यार, नाम ही अजीबो गरीब है, मैं आज पहली दफा हमने सुना है। हम तो प्याज जो होता है वो खड़ा खड़ा होता है और टमाटर भी खड़ा खड़ा होता है, बड़ी बड़ी थोड़ी सी हरी मिर्च होती है और ये खमीरी रोटी के साथ खाया जाता है, इसको नान के साथ भी खाया जाता है, चपाती के साथ भी खाया जाता है इसे, और ये आपकी अपनी चॉइस है। ये चिकन पुलाव बनाया यखनी वाला, दिखाओ जी क्या डिश है, ये है चिकन पुलाव यखनी वाला। और क्या बनाया, और ये पालक गोश्त है, पालक मटन, पालक मटन है ये, पालक मटन मतलब है कट्टे का गोश्त है, बकरे का, बकरे का, माशाल्लाह जी इतनी डिश इतने प्यारी बनाई है, और जब हम खाएंगे आपको जरूर शेयर करेंगे। अब ये देखो ये क्या हुआ, ये देखो पूरा खुद ही जा रहा है, ये देखो खुद ही ऊपर जा रहा है और ऊपर और ये तैयारी देखे, हमारी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल हो गई है, खाना ऑलरेडी टेबल पे आ चुका है, ये देख सकते हैं यहाँ पे सामने है, हम कर रहे हैं वेट मेहमान का, जो बैठे हैं उनके मुंह पानी आ रहा है, क्या उनका मेहमानों का मेहमान आ ही नहीं रहे हैं, हमने कब से खाना बनाकर ठंडा होकर दोबारा गर्म किया, टेबल पर गए 5 मिनट, ये इनको फूल दे रहे हैं क्योंकि आज उसने जो खाना बनाया ना, जितना खाना बनाया सारा मैंने खाना बनाया, और मेरी तरफ से दावत है सोबिया को और इकबाल को और बाकी सब लोगों को। मैडम साहब देखते क्या कर रही है, आप बहुत खुश हो रही है यार, देखो ये दावत मेरी तरफ से है, मैं क्या करूं, मेरे भाई ने इतना शानदार दस्तरखान सजाया कि वो ऐसा कभी नहीं देखा, खाने ये दाना ऐसी रेसिपी कभी भी नहीं, खाने वाले आ नहीं रहा है, ये मेरे भाई की तरफ से ये सारी दावत, ये पूरे खाना, ये दस्तरखान सजा बनाई, आज उन्होंने ऐसी पार्टी बनाई है हम आपको बता ही नहीं सकते, ये मैंने आपको बात करने नहीं दी, ये देख कितने फूल, माशाल्लाह जी हर बंदे ने अपनी अपनी चॉइस कर ले ली है, कुछ कोई खाना खा रहा है, कोई चावल खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, मैं क्या खा रहा हूँ, मैंने ये पालक गोश्त लिया, हमने तो अपनी फेवरेट पालक गोश्त बनाया, हमने पालक गोश्त लिया, इसने कबाब लिए हैं, इसने कबाब लिए हैं, ये देखो मैंने सारे फूल इनके आगे रख दिए, अभी भी नाराज होते बस में नहीं, मैं कोई नाराज नहीं है, इनर भाई ने मुझे खुश कर दिया, बहुत मजे, क्योंकि अचानक इसने फैसला बदला है, हम बहुत खुश हैं। मैं तो बात ही नहीं कर रही थी, आप बात कर लो, जो मैंने काम मुकम्मल कर दिया है, जो हमने जो वीडियो बनाई जो बनाई है ना आपको दिखाई है पूरी, इसमें हमने जरूर शेयर भी करना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना, पूरी वीडियो मुकम्मल देखना, ये हमने क्या क्या बनाया है। मैडम साहब इतनी खुश है, ये मेरे भाई की तरफ से, अल्लाह ताला उसके रिज़्क में इजाफा करे, आमीन, उसको किसी चीज की कमी ना दे, रेहान की तरफ से दावत है, ये रेहान की तरफ से, ये हमारे घर दावत हुई है, अल्लाह ताला, ये तो अभी पार्टी महंगी पड़ गई है, अब इसको डबल तो डबल भी देंगे तो वापस नहीं होगी, ये इसने खुद ही बनाई है, मेरे भाई ने बहुत मेहनत की है, बल्कि पूरी फैमिली उसकी ने, और रेहान भी साथ लगा हुआ था और भाभी भी लगी हुई, अभी वो चपातियाँ बना रही है, वो इधर टेबल के पास नहीं आई, इसने कहा आप एंजॉय करो बैठो गुब्बा जी पे, मैं बनाती हूँ रोटी, अभी रोटियाँ बन रही हैं, बाकी सिर्फ रोटी रहती है, बाकी सारा खाना मुकम्मल तैयार हो गया है, इसके साथ ही हमें इजाजत चाहते हैं, हमें दे इजाजत, वीडियो पूरी देखें, अल्लाह हाफिज़, बाय, अल्लाह हाफिज़।